गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। मेरा नाम है गंगा प्रसाद डांगी और हम लोग जो एक सीरीज लेकर चल रहे हैं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूरा का पूरा पूरे इस चैनल पे फ्री आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ चैनल को, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ये आज का जो सेशन है मेरा, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आ रहे हैं। आज जो फर्स्ट लेक्चर है वो एकदम बेसिक रहेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा। धीरे धीरे मैं इसमें मैथ्स लेके जाने वाला हूँ, जिस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन IBPS PU मैथ्स में पूछे गए थे, वो वाले पैटर्न भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो सेशन को जरूर शेयर करिए। जिन बच्चों ने अभी तक सिंप्लीफिकेशन कवर नहीं किया है, इसके पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट पूरी रेडी कर रखी है, 5 लेक्चर उसमें लिए हैं, डेप्थ में कंटेंट रखा हुआ है, आप आराम से वहां पर उसको देख सकते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन उसमें मैंने कवर किए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन आरंभ में आपका स्वागत है। देखिए गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है ये। यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर डाला हुआ है कि भाई बेसिक जो फॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है, अभी इस साल 2022 जो मेंस हुआ था IBPS PO, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बोले गए थे कि अगर आपको बेसिक फॉर्मेशन नहीं पता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर वो नहीं पता है तो आप रूट्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे और इक्वेशन नहीं बन रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बच्चों से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इस तरीके के सवाल थे। वो सारे सवाल आपको मेरे थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर में मिलेंगे, है ना, एकदम जीरो से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें आपके पास, तो सवाल हमेशा इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, हमेशा इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, वो भले ही से आपका PO का एग्ज़ाम हो, क्लैरिकल का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हमेशा 5 मार्क्स का आता है ये टॉपिक। प्रीलिम्स में भी आता है एज वेल एज मेंस में भी आता है। ठीक है, इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा खासा यूज़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन में भी होता है, SSC में, जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे, जब पॉलिनोमियल हमें सोल्व करना होता है तो पॉलिनोमियल सोल्व करते समय हमें वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, रेलवे वगैरह। दूसरा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, आप कोई भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड देख लीजिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जब भी हमें इक्वेशन में कोई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत होती है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आता ही यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो इसके सवाल मिनिमम 5 बैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ऑलवेज मिलेगा। देखिए गाइस, पहले मैं डिस्कस करूँगा एकदम बेसिक कंसेप्ट कि कंसेप्चुअली किस तरीके से चीज़ें बनती है। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चनों की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन बच्चे आराम से सोल्व कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जाता है पर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बच्चे गलती कर देते हैं कंपेरिजन। फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा रहेगा, जैसे कि अगर मैंने आपसे, अगर सपोज मैंने बोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टाइम्स ऑफ, एक इक्वेशन लेके चलते हैं, सपोज 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या मैंने लिया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर हम लोगों ने लिया 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों एक्स और वाई में। एक्स और वाई में जो इक्वेशन दिया है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद में एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, वाई की 2 वैल्यू आएगी, इसको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए फॉर्मेशन इस तरीके से रहेगा कि हो सकता है पहला वैल्यू आपसे पूछा जाए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स और वाई में रिलेशन कौन सा सही है ये आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि दूसरा आंसर आए x के साथ ग्रेटर और इक्वल टू y, में भी चांसेस है x इज लेस देन y, ये हमेशा आपको हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में मिलेंगे, और नेक्स्ट वन रहेगा x इज लेस देन इक्वल टू y, या फिर आंसर x इज इक्वल टू y भी हो सकता है, ओनली इक्वल टू आ जाए,
या अगर हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। वैसे मेजोरिटी जो ऑप्शन होता है कि सी एन डी का ऑप्शन ऑलवेज एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ ही होता है, ये मेजर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में इसी तरीके का आपका फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, चलो अब देखिए सबसे पहली बात आती है कंपैरिजन की। सपोज क्वेश्चन तो अभी छोड़ दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं कंपैरिजन में, सपोज मैंने एक्स का वैल्यू आपसे बोला होता कि एक्स का वैल्यू सपोज 14 दिया है, एक वैल्यू 14 और दूसरा दिया है 20, एंड वाई के भी दो वैल्यूज दे रहा हूं मैं। सपोज एक्स का वैल्यू वाई का एक पहला वैल्यू मैंने दिया होता सपोज 17 और दूसरा वाई का वैल्यू दिया है 24। अगर हम कंपैरिजन करें कि एक्स की वैल्यू को वाई के साथ कंपैरिजन करेंगे तो रिलेशन क्या क्रिएट होगा, आराम से कंसेप्ट को समझना, नोट डाउन करके रखना सारी चीज़ें, क्योंकि पहले कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करें उसके बाद में क्वेश्चनों पर आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, मेजोरिटी बच्चे यही गलती कर देते हैं कई बार, ये ऑलवेज मैं ऑफलाइन क्लास में भी जब पूछता हूँ तो मेजोरिटी आंसर कुछ और ही आता है। बच्चे क्या करते हैं कि x की पहली वैल्यू y की पहली वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर देते हैं, x की दूसरी वैल्यू y की दूसरी वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर देते हैं, तो आंसर आ गया आपके पास x इज लेस देन y, ये लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। सेंटेंस बोल रहा हूँ समझिएगा, सबसे पहले x की सिंगल वैल्यू y की दोनों वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगी, कंपैरिजन के लिए लेस और ग्रेटर साइन हम लोग यूज़ करेंगे। एक बात बताइए, 14 और 17 में जब रिलेशन देखेंगे, 14 और 17 में रिलेशन होगा तो 14 इज लेस देन 17, 14 वैल्यू है x की, तो इसका मतलब यहां से रिलेशन आ रहा है x इज लेस देन y। 14 24 के साथ कंपैरिजन होगा तो अगेन रिलेशन क्या रहा है, x इज लेस देन y। बट जैसे ही हम 20 को कंपेयर करेंगे 17 के साथ, तो 20 और 17 में रिलेशन है 20 इज ग्रेटर देन 17 और 20 वैल्यू है x का, तो या अगेन रिलेशन यहां पर बन जाएगा मेरे पास में x इज ग्रेटर देन y। और मेरे भाई जब भी एक बार आप वैल्यू बता रहे हो कि एक सर्टेन वैल्यू है वो किसी डिफरेंट वैल्यू से लेस है, एट द सेम मोमेंट आप बता रहे हो कि नहीं वो लेस नहीं है वो ग्रेटर है, इस तरीके की सिचुएशन जब भी बनती है कि एक बार लेस आ रहा है एक बार ग्रेटर आ रहा है, तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें रिलेशन क्या होगा, ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आंसर आपका एक बार लेस एक बार ग्रेटर आए, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि इसका आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। आई होप इतना क्लियर। ठीक है, एक दूसरा वैल्यू लेके चलते हैं। सपोज अगर मैंने कोई डिफरेंट वैल्यू लिया, देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। दो चार चीजें हैं, कंपैरिजन को थोड़ा सा समझिएगा एकदम बेसिक से। ठीक है, देखिए सपोज मैंने x का वैल्यू दिया होता, आपके पास x का वैल्यू होता सपोज 4/5 एंड नेक्स्ट वन दिया होता 3/4, ये फ्रैक्शन में वैल्यूज है। y के भी वैल्यू दिए होते हैं आपके पास 1/2 एंड सपोज दिया होता 4/5। अभी बहुत ही आसान वैल्यू लिए, बहुत सिंपल से वैल्यू लिए, अगर इसको कंपैरिजन करेंगे कि आखिरकार इन दोनों को कंपैरिजन x की वैल्यू जो फ्रैक्शन में, y की वैल्यू जो फ्रैक्शन में, तो कंपैरिजन करने के बाद इसमें रिलेशन क्या रहेगा, अगर ये चेक करें तो इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक तो तरीका है कि आप पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करिए, डेसिमल में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। जैसे 4/5 को अगर मैं लिखूंगा तो 0.8 हो जाएगा मेरे पास, और 3/7 को मैं लिखूंगा तो 0.75 हो जाएगा, 1/2 को मैं लिखूंगा तो 0.5 होगा, और 4/5 आई होप सबको इतना पता है इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 0.8 हुआ। अब जब हम कंपैरिजन करने जाएंगे मेरे भाई, 0.8 को कंपेयर किया 0.5 के साथ, तो पहला रिलेशन बना x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि 0.8 इज मोर देन 0.5, 0.8 और 0.8 इक्वल हुआ, मतलब एक रिलेशन हुआ आपके पास x इज इक्वल टू y। सेकेंड रिलेशन देखते हैं, ये पहला वैल्यू हमने 0.5 के साथ भी कंपेयर किया और 0.8 के साथ भी कंपेयर किया, सेकेंड वैल्यू 0.75 है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे 0.5 के साथ तो रिलेशन है ग्रेटर, बट लास्ट कंपेरिजन 0.75 और 0.8 का जब हुआ तो मुझे रिलेशन मिला x इज लेस देन y।
तो अगेन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है कि जिसमें अपोजिट साइन आ रहे हैं, एक बार एक्स की तरफ ग्रेटर और एक बार एक्स की तरफ लेस, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा, तो उस केस में आंसर क्या आएगा हमारा, सी एंड डी आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। आई होप इतना क्लियर। तीसरा कंपैरिजन बात करते हैं। अच्छा, इसी को अगर थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में बोलें, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर बार इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइडेशन जब इसको करने लगे, अभी तो डेटा बहुत सिंपल सा लिया था, जब डिवाइडेशन हम करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसका दूसरा कंपैरिजन समझें। जब हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रैक्शन में, एक्स का सिंगल वैल्यू 4/5 पहले कंपेयर होगा 1/2 के साथ। गाइज, हम कंपेयर कर रहे हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू वाई है, तो आप क्या करो ना, डिनोमीटर को न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर दो। इसका एक्चुअल में बेस हम सेम करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग, बेस सेम करते हैं, और बेस जब सेम होता है तो जो न्यूमरेटर में रिलेशन होगा वही रिलेशन होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर ये 8 और 5 बन जाएगा, 4 2 8 और 5 1 5, तो 8 5 से क्या होता है मोर, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, ग्रेटर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मैं इस चीज़ को बोलूँ तो ऐसा बोलेंगे y का डिनोमिनेटर x के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और x का डिनोमिनेटर y के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है इतना। तो 2 4 बन जाएगा 8 और 5 1 बन जाएगा 5, तो रिलेशन क्या रहा, ग्रेटर। 4/5 4/5 इक्वल रहा, तो एक रिलेशन रहा एक बार ग्रेटर और एक बार रहा इक्वल। 3/4 को 1/2 के साथ कंपेयर करोगे तो गाइस 2 पहले ऊपर 3 के साथ जाएगा, तो 6 और 4 का रेशियो बनेगा, तो रिलेशन बनेगा, तो अगेन क्या बन जाएगा, ग्रेटर। तीन जगह से तो x इज ग्रेटर आ रहा है। और लास्ट वन, जब 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 15 और 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16, यहाँ पर आ गया लेस। तो लास्ट वन रिलेशन में आया लेस। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप इतना क्लियर। फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आना चाहिए। एक वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग, जरा मुझे बताइएगा कि अगर मैंने एक एक्स की वैल्यू दिया, सपोज मैंने एक्स का वैल्यू दिया होता 5/7 एंड दूसरा वैल्यू दिया होता 7/9 एंड वाई का एक वैल्यू दिया होता आपके पास में 4/5 एंड नेक्स्ट वन वैल्यू होता आपके पास में 5/6। आप अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या रिलेशन होगा वो जरा चेक करिए। आप एक बार पहले ट्राई करिए खुद, और जब इसके बाद पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर देखिए, ठीक है। देखिए कंपैरिजन अगर करेंगे, मैं 5/7 को कंपेयर कर रहा हूँ 4/5 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 25 एंड 24। रिलेशन क्या रहा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए इतना, यह हम ऑरली कर सकते हैं, 5 5 25 और 7 4 हो जाएगा, सॉरी 28 4 7 28। तो रिलेशन यहाँ पर हुआ, गलत बोल दिया था, 6 4 होगा वो, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, लेस, मतलब x इज लेस देन y, डन। यहाँ पर बनेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 5/6 5/7 5/6, तो 6 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 30 और ये बन जाएगा 35। तो अगेन रिलेशन क्या रहा, लेस, मतलब 5/7 इन दोनों से लेस। आई होप इतना क्लियर। आगे वाला रिलेशन होगा 7/9 को हम 4/5 के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर होगा 35 और ये होगा 36, अगेन क्या रहा, लेस। और लास्ट वन, 6 7 42 और 9 5 45, अगेन लेस। चारों जगह से आंसर आएगा x इज लेस देन y, चारों जगह से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज लेस देन y। कंपैरिजन समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्या है, आई होप इतना क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट वन कंपैरिजन, नंबर लाइन पे मेरे भाई 0 से जो वैल्यू जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा बोला जाएगा, और 0 से पास में जो जितना नेगेटिव में बड़ा होगा वो उतना ही छोटा वैल्यू बोला जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए -3 और -1 में रिलेशन बात करें तो -3 is less than -1, इतना क्लियर हुआ। अगर मैं -2 और 0 में रिलेशन बात करता हूँ तो -2 is less than 0, ठीक है। तो ये लाइन के साथ में कंपैरिजन होगा, नंबर लाइन में और नंबर्स के बीच। अब जो हमारा एक सवाल था उसको हम लोग देखते हैं।
मेरे भाई कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरीके से दिया है, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। पहले नोट्स को मेंटेन करिए, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को लिख के रखिएगा। इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट और एक होता है फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट। डिटर्मिनेंट अक्सर लोग याद नहीं रखना पसंद करते, बोले वो अजीब टाइप का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, बट सिलेक्शन भी तो अजीब टाइप के लोगों का ही होता है। बातें समझ में आ रही है? याद रखिए, याद रखिएगा, सिलेक्शन के लिए एक ही चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई के लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना है तो 100 कारण हो सकते हैं उसके, आप आराम से स्टडी छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं तैयारी कर सकते, आप दिन के अगर 100 सवाल 200 सवाल भी नहीं लगा सकते, तो भाई मेरे हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं हैं। फिर आप वो करिए जिसमें आपका स्किल है। जब 2-4 साल इधर उधर जब बर्बाद हो जाएंगे तो फिर आप वापस से आइएगा कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं मिलेगा बाद में। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिएगा, याद रहेगा, उसमें कुछ है नहीं। देखिए, एक डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, हालांकि मैं उसको बहुत कम यूज़ करूँगा, बहुत कम, पर मैं मेंस लेवल के सवाल पे आऊँगा। याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चनों में इस तरीके के क्वेश्चन का यूज़ होगा, उसका यूज़ हो सकता है। आप अगर पता चला कि कोई वैल्यू रूट में आ रही है और आप उसके फैक्टर ही नहीं बना पा रहे हैं, और रूट के अंदर वैल्यू का फैक्टर आ रहा है, नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे भाई उसका यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट? ठीक है, कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उसका जो वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका रहेगा वो रहेगा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ से हमें x का वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ये थोड़ा सा नोट डाउन करिए। वेयर जो b है वो है b x का कोफिशियंट, a है वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और c जो है वो है कॉन्स्टेंट टर्म, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। ये आई थिंक इतना नॉर्मल सा हमें पता होना चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्योर माइनस 4ac। हालांकि मैं क्वेश्चन इससे भी सोल्व करके बताऊंगा, है ना। चलिए, अब देखिए एक सवाल पर आते हैं हम लोग। जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपका क्वेश्चन बना था 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एंड इसी में वाई का इक्वेशन दिया था 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0। पहले भी इसका आंसर डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से निकाल रहा हूँ, फिर मैं फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट से निकालता हूँ। ठीक है, अगर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से निकाला तो माइनस फॉर्मूले में आता है, बी की जगह पर यहाँ पर माइनस 13 आएगा, प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्योर मतलब 169, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, ये चीज़ है, ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर 14, तो ये बन जाएगा 12 इंटू कितना बन जाएगा 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 टूजा होगा 28, कैरी फॉर 2, और 14 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास में 168, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब रहेगा 6। मेरे बाद भाई 169 माइनस 162 मतलब बनेगा माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 1 रूट ओवर 1, और रूट ओवर 1 मतलब कितना होगा 1, तो x का वैल्यू आएगा 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/6। एक बार हम प्लस साइन लेंगे यानी कि 14/6 होगा, दूसरी बार हम माइनस साइन लेंगे विच मीन्स 12/6 होगा। आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 7/3 रहेगा, और 2 से 6 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो 2 रहेगा। ये रहेंगी x की वैल्यूज, ये निकाला हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट। प्लीज़ थोड़ा सा नोट डाउन जरूर करें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, मैं इसको प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। सोल्व आपको इससे भी करना नहीं है, पर कुछ सवाल है जहाँ पर आपको इसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है आपका वो है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक बात बताइए, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों ने देखा हुआ है कि एक बार मैं पूरा कंसेप्ट जो लिखूंगा उसको मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यूज़ करूंगा, फिर डायरेक्टली हम शॉर्टकट से देखेंगे, नोट्स को प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा बनाएंगे।
फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं भाई, ये फैक्टराइजेशन मेथड का ही कंसेप्ट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फैक्टर, इतना क्लियर हुआ। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहां से कुछ वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है, इसलिए एलसीएम लेके 3 यहां चला गया, अदरवाइज का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होता है, पर ये 3 एलसीएम लेके यहां पे चला गया। मेरे भाई क्या है, ये जो नंबर है 13 वो किसी दो वैल्यू का एडिशन है, किसी दो नंबर का क्या है एडिशन, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो नंबर को ऐड करने पर 13 आता है और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर 42 आता है। ऐसे आपको 42 यहां पर ये लिया 3 और 40, तो आपको मिडिल टर्म्स को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर का एडिशन करने पर 13 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आना चाहिए 42। तो आपको पता है कि ऐसे नंबर ओनली 6 और 7 ही होंगे, 6-7 एडिशन 13 और 6-7 42। तो हम इस इक्वेशन का फॉर्मेशन जो करेंगे वो इस तरीके से रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्योर माइनस, इस 13 को हमने ब्रेक किया 6 और 7 में, तो माइनस रहा 6 टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस रहा 7 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस रहा 14 इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे 3x। अगर आप सही फैक्टर ले रहे हैं तो ब्रैकेट वाला वैल्यू ऑलवेज सेम होगा, 3 दोनों से कॉमन, x दोनों से कॉमन, तो बनेगा x माइनस 2, और माइनस 7 अगर हम लोगों ने कॉमन निकाला तो यहां पर बन जाएगा x माइनस 2। डन, x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन हम लोगों ने निकाला तो यहां पर बना 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू क्या रहेगा 2, और 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 3x इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू कितना रहेगा 7/3। वैसे भी आपकी x की दो वैल्यू आना चाहिए, 2 और कितना 7/3। ये रहा बेसिक तरीका, बेसिक तरीका। एक बार जो एकदम बच्चे एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से जरूर लिख के रखिएगा, हाँ, बट जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है ये चाहे सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, पर जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से लिख के रखिएगा। मैं डायरेक्ट सवाल पर आ सकता हूँ, 2012 से पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट लेवल सवाल कराऊँगा, हर टॉपिक का टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। बट ये बेसिक चीज़ें हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी जितने भी मेंबर पढ़ाते हैं, जितने भी, देखो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं भाई, कोई टीचर में बुराई नहीं है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचरों का तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, पर थोड़ा कंटेंट पर फोकस करिएगा, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरा, ऑफलाइन में जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेज में किसी टीचर पढ़ा रहे हैं, भाई अपने बच्चों पर फोकस करिए। कई बार हम बच्चों को जब सामने मिलते हैं और कई बार बच्चों से पूछते हैं कि यार एक स्टेटमेंट लिखना है इंग्लिश में, ए इज़ 30% मोर देन बी या ए इज़ 75% मोर देन बी। बच्चा इतना बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानता यार, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस करिएगा। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, स्कूल कॉलेज जाना कंपलसरी रखिए बच्चों का, एक बेसिक डेवलपमेंट जो होता है दिमाग का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मैं गुजरात में हूँ और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि कॉलेज जाना नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि उसमें किताबी नॉलेज ही नहीं पर एक जो बंदे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाता, दिमाग इतना विकसित नहीं हो पाता। तो रखिए बच्चों को डेली कॉलेज जाना चाहिए, और प्रोफेसर को भी मेरे हिसाब से डेली कॉलेज अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। धन्यवाद, और अगर इसके लिए किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल आते हैं हम लोग सवालों पर, ये रहा बेसिक तरीका। अब मैं इसी में डिस्कस करता हूँ जो शॉर्टकट है, इसी को मैंने एक शॉर्टकट में बनाया हुआ है, और वो शॉर्टकट कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखिए। मैं पहले स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा उसको, जस्ट समझना, और उसको बाद में देखते हैं कि डायरेक्टली कैसे। गाइज, हम पूरे 3 पार्ट में, 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करके चलेंगे, हालांकि ज़रूरत 3 स्टेप की लगेगी नहीं हर बार, ठीक है।
चलिए डिजिटल बोर्ड से थोड़ा कंटेंट हटा दिया जाए। देखिए इस चीज को इसके बाद में आप थोड़ा सा नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। जैसे इस वाले सवाल की बात करें तो मैं पहले स्टेप में लिखूंगा फैक्टराइजेशन। कौन सी वैल्यू का फैक्टराइजेशन? हायर डिग्री का कोफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट टर्म लेंगे 14। बस मेन मकसद यही है, अब आंसर आ चुका है। हमें इसमें से दो फैक्टर चाहिए, अभी दो वैल्यू है आपके पास, पर हमें इसमें से ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि उन दोनों का एडिशन करने पर आपका मिडिल टर्म बनना चाहिए। तो एक 3 और 14 से तो 30 नहीं बनता, तो आप कोई बड़ी वैल्यू को और फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे 14 है, 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। 13 चाहिए तो आप खुद बोलेंगे कि एक फैक्टर बॉस 6 ले लीजिए और दूसरा फैक्टर ले लीजिए 7। मुझे दोनों का एडिशन करने पर माइनस का 13 साइन चाहिए, तो अभी फिलहाल दोनों को साइन आप दीजिए माइनस, क्योंकि मैं जब माइनस 6 में एडिशन करूंगा माइनस 7 तो ही मेरे पास रिजल्ट माइनस 13 बनेगा। ये मेरा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, और यही स्टेप मेन है, बाकी का कुछ आगे जस्ट फॉर्मेलिटी है। ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं माइनस 6 और माइनस 7, इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्योर। एक्स स्क्योर के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड, हायर डिग्री के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे। तो इस फैक्टर को भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स का इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, वाई का इक्वेशन होगा तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, और लास्ट में हम साइन करेंगे चेंज, साइन चेंज। 10-20 सवाल में बोल बोल के लिखिए, कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत बार कई बार बच्चे डिवाइड करना भूल जाते हैं, कई बार साइन चेंज करना भूल जाते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 3 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा माइनस 2, पर साइन चेंज हो गया ये हो जाएगा प्लस का 2, और 7/3 को सोल्व करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव 7/3 था पॉजिटिव 7/3। ये फाइनली रहेंगे आपके एक्स की वैल्यूज। अब अगर ये क्लियर हुआ तो वाई की वैल्यूज में थोड़ा सा और जल्दी समझते हैं, जो आपको और आसान लगेगा। सारे सवाल ऑलमोस्ट मैं इसी तरीके से करूंगा, ऑलमोस्ट सारे के सारे सवाल। जैसे यहां पर वाई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो लिखा हम लोगों ने 2, और 21 को थोड़ा फैक्टराइज करके ही लिखा 3 × 7। मुझे 13 चाहिए तो एक फैक्टर होगा 6 और दूसरा 7, माइनस का साइन चाहिए तो माइनस का, दोनों का एडिशन करने पर माइनस 13 आना चाहिए, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये रहा आपका सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में आप साइन चेंज करेंगे, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3 और ये बन जाएगा 7/2। 7/2 को अगर लिखें तो 3.5 हम बोल सकते हैं, और इधर 7/3 को अगर लिखें तो 2.11 बोल सकते हैं, सॉरी 2.33। ठीक है, कंपैरिजन की आई थिंक ज़रूरत है नहीं। आप अगर कंपैरिजन करोगे 2 को 3 के साथ तो रिलेशन रहा एक्स इज लेस देन वाई। 2 3.5 से भी ले से, 2.33 दोनों से ले से, तो चारों जगह से आंसर आएगा आपका एक्स इज लेस देन वाई। आई होप यहाँ तक क्लियर। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट वन क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग, और उसके बाद में कुछ कंसेप्ट हैं, उसके बाद आते हैं सवालों पर। प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, बेसिक सवाल हम लोगों ने लिया। सपोज आपके पास बना हुआ है 4 times ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 27 times ऑफ एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 6, एंड अगर मैं लेता हूं 3 times ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सपोज यहां पर ले लिया हम लोगों ने 31 times ऑफ वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 6। एक x में रिलेशन है और एक y में रिलेशन है, दोनों को सिंप्लीफाई करके हमें x और y की वैल्यू चाहिए। कंपैरिजन की सॉरी कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे 4 को लिखा 4, 45 के थोड़ा फैक्टराइज करके लिखिए 9 × 5 बोल सकते हैं, 9 को लिखा 3 × 3 और 5 को लिखा 5। हमें इसमें से दो फैक्टर बनाने हैं कि दोनों का एडिशन करने पर 27 आना चाहिए, बनेगा 100% बनेगा, कोई दोहराई नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के फंक्शन से बना हुआ है। तो आप बोलेंगे एक फैक्टर लेना पड़ेगा 12 और दूसरा क्या लेना पड़ेगा 15।
27 नेगेटिव है तो पहला फैक्टर दोनों को साइन दिया नेगेटिव, पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में आप 4 से डिवाइड करोगे, ये आपका सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में आप साइन चेंज करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3, और अगर इसको देखा जाए तो रहेगा 3.75, ये रहेंगे आपके x के वैल्यूज। इन द सेम वे जब हम y को कैलकुलेट करेंगे तो 3 को लिखा 3, 80 को लिख सकते हैं आप 8 इंटू 10, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5। मुझे इसमें से दो फैक्टर चाहिए कि दोनों का एडिशन करने पर 31 आना चाहिए, हालांकि 31 एक इवन एक ऑड नंबर के एडिशन से आएगा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं 15 और दूसरा ले लेते हैं 16, और 15 और 16 मिलाकर हो जाएगा 31। नेगेटिव चाहिए, पहले रहा नेगेटिव, देन आप 3 से डिवाइड करिएगा और लास्ट में साइन चेंज करेंगे, और लास्ट में अगर साइन चेंज करेंगे तो आपका जो नंबर बनेगा वो रहा आपके पास 5, एंड नेक्स्ट वन रहा 5.33। कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे 3 और 3.775 दोनों से ले से तो रिलेशन रहेगा x इज़ लेस देन y। रिलेशन क्या रहेगा, x इज़ लेस देन y। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलिए नोट डाउन करके रखिएगा प्रॉपर तरीके से। अब इसके अलावा गाइस एक बेसिक स्ट्रक्चर और है जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे ट्रिक्स लग जाते हैं कि जिसमें हम बिना सोल्व करे भी आंसर बताएंगे, पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर कोई भी फंक्शन पूरा पॉजिटिव सेंस में दिया, पूरे के पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हर जगह पर पॉजिटिव साइन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, एक्स भी कोफिशिएंट पॉजिटिव और सी भी कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है वो भी पॉजिटिव, तो इसमें भाई मेरे एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी वो दोनों की दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। दोनों की दोनों ही वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। इतना क्लियर है? बट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेशन इस तरीके का हो माइनस बी ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, यहां पर साइन नेगेटिव हो, तो आप जब एक्स की फाइनल वैल्यूज निकालोगे तो दोनों के दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। और तीसरा फंक्शन अगर आपके पास ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हो या फिर माइनस, यहां पर कोई भी साइन होगा दोनों में से एक तो भी चलेगा, पर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म साइन नेगेटिव, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, लीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, लीनियर में मत अप्लाई कर दीजिएगा, आप करोगे मुझे पता है क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे गलती कर देते हैं, तो लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई एक्स की एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एक वैल्यू आएगी कौन सी, नेगेटिव। एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा और एक कौन सा वैल्यू आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत यूज होगा, बहुत सारे सवालों में हम लोग इसको यूज करके चलेंगे, ठीक है। जैसे अभी पुराना जो सवाल दिया था आपके पास, अगर जो सवाल था 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 27 ऑफ एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, एंड एक दूसरा दिया था आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 31 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अगर गाइस मैं यहाँ पर इस सवाल को यहाँ पर साइन पॉजिटिव बना देता, इतना साइन अगर मैं पॉजिटिव बना देता तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तो एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पर आएगी नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो एक्स की वाई की दोनों वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आंसर क्या बोल देते, एक्स इज लेस देन वाई। समझ में आ रहा है यहाँ तक, सीधे आंसर हम बोल देते हैं एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन बनेंगे जहां पर आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए जरा आते हैं सवालों पर, और पहला सवाल आपकी नजरों के सामने एक बार ट्राई करिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से। देखिए मेरे भाई, फोर कुल हम लोग लिखेंगे 2 into 2, थोड़ा मैं फैक्टराइज करके ही लिख दूंगा 2 into 2, और 18 को हम लोगों ने लिख दिया 2 into 9, मुझे 17 चाहिए, आई थिंक एक फैक्टर 8 और दूसरा 9 होगा, माइनस चाहिए, अभी मैं फिलहाल साइन दूंगा माइनस, जबकि मैं आखिरी में बोलूंगा जब आप 50-60 सवाल सोल्व कर लेंगे तब मैं सीधे बोलूंगा या नेगेटिव वैल्यू आ रही तो एट द लास्ट दोनों वैल्यू पॉजिटिव आने, ये मेरा पहला फैक्टर, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम डिवाइड करते हैं,
और थर्ड स्टेप में हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बनेगा 2.25, एक्स की एक वैल्यू आएगी 2 और दूसरी वैल्यू आएगी 2.25। इन द सेम वे हम सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 को लिखा 2, 11 को हम लोगों ने लिखा 55 को लिखा 5 × 11। 21 चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, 10 और 11 ही होगा। आप पहले किसी को लिखो बाद में किसी को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव नेगेटिव, देन 2 से डिवाइड और लास्ट में हम साइन चेंज करेंगे। तो आई थिंक इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे आंसर आएगा 5 और ये रहेगा 5.5। ये 2 में है और यहाँ पर 5 में है तो रिलेशन रहेगा x इज लेस देन y। क्वाड्रेटिक बहुत आसान है, प्रीलिम्स में इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, लिख के दे देते हैं हम, गारंटी है प्रीलिम्स में यही मिलेगा भाई, वो पीओ प्रीलिम्स हो क्लर्क प्रीलिम्स हो। क्वाड्रेटिक के सवाल 5 के 5 सवाल के लिए आइडियल टाइम है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर 5 के 5 हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो फिर सही है। जैसे ये सवाल लिया, आप देखो लेवल, देखो सवाल का कॉफिशेंट इसमें 1 नहीं, अभी इजी सवाल है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर 1 है तो और भी बड़ा आसान सवाल हो जाता है। 35 को हम लोगों ने लिखा, 35 को लिखेंगे 5 और 7, तो ये एक फैक्टर रहेगा 5 और 7, 5 और 7 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं निकलता। साइन चेंज करेंगे मतलब x का एक वैल्यू 5 आएगा और दूसरा 7, डायरेक्ट बोल सकते थे 5 और 7। इन द सेम वे यहाँ पर हम बोल देंगे 7 और 8, 7 + 8 15 होता है, लास्ट नेगेटिव है मिडिल में, तो लास्ट में फाइनल वैल्यू दोनों पॉजिटिव आने में, 5 दोनों से लेस है तो एक बार आंसर आएगा लेस, 7 से इक्वल है, इक्वल को हम मर्ज कर सकते हैं, और 7 8 से लेस है तो आंसर आएगा x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी कि आंसर डी आपका राइट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल लिखिए, देखिए मेरे भाई जो दूसरा सवाल है इसमें सबसे पहले x के बारे में थोड़ा फोकस करिए। जब भी x इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है तो आपको x की पॉजिटिव वैल्यू भी लेकर रखना है और नेगेटिव वैल्यू भी लेकर रखना है। अगर आप x की जगह पर 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, और x की जगह पर -12 रखेंगे तो -12 का स्क्वायर भी 144 होता है। तो x की दोनों वैल्यू आएगी, जब भी स्क्वायर है तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा और एक बार नेगेटिव वैल्यू भी आएगा, इतना आप फिक्स करके रखिए। यहाँ पर बात करते हैं 192 के फैक्टर करिए। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि यार इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं तो 192 को प्रॉपर तरीके से फैक्टर करिए, ब्रेक करिएगा इसको। अगर हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया, हालांकि 4 से डिविजिबल है, अगर 4 से डिवाइड कर देते और ज़्यादा अच्छा है, 4 से अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो 4 4 = 16 और 4 8 = 32, अगेन 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 12। तो आपके पास में इसको लिखने का तरीका हो गया 4 × 4 × 12, आई थिंक आंसर आ ही गया है। मुझे 28 चाहिए तो एक बन जाएगा 16 और दूसरा आ जाएगा 12, 16 और 12 दोनों मिलाकर बन जाएंगे आपके पास में 28। नेगेटिव साइन है तो लास्ट में दोनों ही वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। आई होप क्लियर। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव वैल्यू है, और इधर राइट साइड में दोनों ही वैल्यू, y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक तो रिलेशन रहेगा x इज लेस देन y, 12 16 से लेस आएगा और 12 और 12 क्या होंगे, बराबर, तो आंसर अगेन क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू y, आंसर अगेन क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। आपकी नज़रों के जो सामने क्वेश्चन है वो IBPS PO prelims का सवाल है 2017, डिक्टो नंबर भी वही है, कोई चेंज मैंने नहीं किया है मेरे भाई। बनाइए जरा, देखिए अगर हम सवाल में देखेंगे इधर स्क्वायर है तो x का वैल्यू एक रहेगा 15 और दूसरा रहेगा -15, ठीक है। सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। 21 से हम बापूनगर सेंटर पे एक नया बैच चालू कर रहे हैं फॉर बैंकिंग के लिए, टाइमिंग है उसका 1 o'clock, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जो भी अगर बच्चे हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें अहमदाबाद तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, पता नहीं ये कौन समझा देता है ऐसा कि वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, मुझे समझ ही नहीं आता है आज तक। भाई रूट से जब वैल्यू बाहर आएगी तो जस्ट एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसके साथ जो भी साइन ऑपरेट हो रहा है वो साइन उस पर रहेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ऑपरेट होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन ऑपरेट होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा y का वैल्यू ओनली 15 रहेगा,
प्लस माइनस नहीं ले लीजिएगा, अगर इक्वेशन का फॉर्मेशन ऐसा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस तो ही पॉजिटिव नेगेटिव रहिएगा। उसने लीनियर इक्वेशन दिया है आपको, रूट ओवर 15 को लिखने का रूट दूसरा तरीका 225 है, ठीक है 225 लिख सकते हैं, रूट से बाहर आएगा। 15 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है इधर, तो एक्स इज लेस और एक बार एक इक्वल टू, तो अगेन आंसर क्या आएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अभी मैंने बेसिक सवाल कराए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। स्टडी करिएगा अच्छे तरीके से, 50-60 सवाल कल तक जरूर करिएगा, इसके आगे वाले सेशन में कल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों को ये सेशन जरूर शेयर करिए, और पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दे रही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, पढ़ते जरूर रहें। आज के सेशन में जस्ट मैंने फंडामेंटल चीज़ें कवर की है, फंडामेंटल अभी मैं 3-4 लेक्चर लूँगा IBPS PO के मेंस के टाइप के सवाल में, इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।